शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियाँ और क्या हो सकता है आपके साथ। कहीं ना कहीं जो आपकी राशि होती है वो आपके जीवन को प्रभावित करती है और हमारे जीवन पर कई पॉजिटिव और निगेटिव प्रभाव क्या हो सकते हैं ये हम अपनी राशियों के अनुसार जान सकते हैं। तो चलिए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं कि मेष राशि के स्टार्स क्या कहते हैं और आज के दिन मेष राशि वालों के साथ क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में स्थिति पहले से बेटर है। आप किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे, जीवन में थोड़ा सा टेंशन से फ्री होंगे, संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके जीवन में बनी रहेगी। संतान प्राप्ति की बहुत दिनों से आपकी जो संभावनाएं टल रही थी, आपको संतान प्राप्ति के योग मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी के मध्य अगर किसी प्रकार का विवाद चल रहा था तो भी खत्म होता मुझे नजर आ रहा है। कुल मिलाकर विवाद निपटाने का समय मेष राशि पर चल रहा है। अच्छे समय का लाभ उठा लें और जो भी मन में द्वेष है उसे खत्म कर दें। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो वृषभ राशि वालों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन तो ये है कि आप शनि के साढ़े साथी की ढैया से फ्री हो गए हैं। तो आपके जीवन में वैसे ही कार्य की जो क्षेत्र है वो आप व्यापक कर सकते हैं। बहुत परिवर्तन होगा आपके जीवन में। शनि देव का आशीर्वाद वैसे भी वृषभ राशि पे हमेशा रहता है, तो जो वृषभ राशि वाले हैं उनको शनि देव बहुत ज़्यादा दौड़ाएंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि आप कार्य की गति को पकड़ना के लिए पीछे पीछे कार्य के भागेंगे और कार्य आपके सामने प्रकट होते जाएंगे और आप अपने कैरियर में बहुत सी ऊंचाइयों को छुएंगे जिसकी आपने स्वयं कभी अपने लिए कल्पना नहीं की हुई थी। बस अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए रखें और अपनी मेहनत को लगातार अंजाम देते रहें, आपको लगातार लाभ की स्थिति निर्मित होगी। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है, कार्य व्यापार की दृष्टि से बेटर दिन है आपके लिए। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी आपको सावधानी लेकर चलनी है। कई बार हम किसी व्यक्ति पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम पूरी दुनियादारी भूल जाते हैं और हमें लगता है कि वो हमारे लिए भगवान तुल्य हो चुका है। लेकिन आँखों को खोल कर रखें, हमेशा विश्वास सब पे करें, लेकिन इतना विश्वास भी ना करें कि वही व्यक्ति आपके लिए आगे जाकर विश्वासघाती सिद्ध हो। तो चीज़ों को बेटर करने के लिए अपने माइंड को व्यापक करें, पॉजिटिव माइंड से जीवन में आगे बढ़ें, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कर्क राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा दयनीय स्थिति आपके कैरियर को लेकर है। आपके कैरियर में आप बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मन आपका इतना विचलित है कि आपको कैरियर में सफलता नहीं मिल पाती। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए थोड़ा सा अपने कार्य पर ध्यान दें, चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करें, तभी आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। सिंह राशि वाले वैसे तो बहुत तेज होते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है क्योंकि राशि ही सिंह है, तो स्वाभाविक सी बात है तेज होना तो नॉर्मल होता है। और सिंह राशि का स्वामी भी सूर्यदेव होते हैं, तो लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है कई बार एग्रेशन हमारे लिए हानिकारक भी होता है क्योंकि जिस चीज़ को हम शांतिपूर्वक निपटा सकते हैं, बातचीत से ख़त्म कर सकते हैं, वहाँ पे एग्रेशन दिखाना गलत होता है। तो इस स्थिति से आप अपने आप को बाहर निकालें, शांति से किसी समस्या का समाधान निकालें, तभी आपको बेटर रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा लेकिन व्यापार में आपको हानि हो सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कन्या राशि के जीवन में आज स्थिति पहले से बेटर है, लाभ होगा, चीज़ें बेटर ढंग से निकल के आएंगी, जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होगा, यात्रा भी कर सकते हैं और आप किसी आध्यात्मिकता के क्षेत्र से जुड़ी यात्रा करने में आपको विशेष लाभ हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तुला राशि वालों के लिए दिन आज का अच्छा है, आपके शत्रु आपसे आज के दिन परास्त होंगे, रुका हुआ कार्य आपका पूरा होगा, किसी मित्र के पॉजिटिविटी वाले कार्य के कारण आपको बहुत लाभ होगा और आपके मन में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। वृश्चिक राशि वालों को आज संभल कर चलने की आवश्यकता है, कार्य तो अच्छा होगा लेकिन आपका मन उदास हो सकता है, चीज़ें आपकी उतनी बेटर ढंग से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मों को अच्छा करिए क्योंकि हम कर्मों का जो मार होती है वो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं हमें भोगनी ही पड़ती है। तो कोशिश करें वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति कि कर्म अच्छा करेंगे तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा आपको परेशानियां जीवन में बनी ही रहेंगी। ये चर्चा करते हैं धनुराशि के स्टार्स क्या कहते हैं। धनुराशि वालों को संभल कर रहने की आवश्यकता है, शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं, कोई पारिवारिक सदस्य आपके साथ धोखा दे सकता है,
किसी प्रॉपर्टी के विवाद में आप फंस सकते हैं, आपको अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मकर राशि वालों के लिए दिन अच्छा है, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, प्रमोशन के चक्कर में आपका स्थानांतरण भी हो सकता है, जिसके कारण आपकी खुशी थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति जहाँ सेट हो जाता है वहाँ से स्थानांतरित होने में थोड़ी सी उसे तकलीफ होती है। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, बिगड़े हुए कार्य भी आज के दिन पूरे होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में भी आज पॉजिटिव चेंजेस हैं, लाभ की स्थिति निर्मित होगी, बिगड़ा हुआ काम थोड़ा लाइनअप होगा, जिससे आपके मन में थोड़ी सी प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ विवाद हो सकता है, संभल कर रहे हैं और वाणी पर संयम रखें। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मीन राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से तो अच्छी है, लेकिन ना कहीं थोड़ा सा उनका मन विचलित है, जिसके कारण वो अपना काम में उतना 100% नहीं दे पा रहे हैं। काम की गति को तेज करें और पारस्परिक संबंधों को भी थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करें, आपको इससे लाभ होगा। तो आपने जाना कि क्या कहती हैं आपकी राशियाँ और क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। नमस्कार।